खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो भी दिखाई देता, उसे अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। हाथी राजा, मेरे साथ दौड़ लगाओगे? अगर हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। मुझसे ज्यादा तेज तो कोई दौड़ ही नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, मैं सबको हरा सकता हूँ। एक बार खरगोश को कछुआ दिखाई दिया। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने सोचा, कितना धीरे चलता है यार ये, इसकी चाल तो देखो, इसे हराने में तो बड़ा ही मजा आएगा, इसके साथ तो दौड़ लगाना बनता ही है। और खरगोश ने कछुए को दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए भाई, मेरे साथ रेस लगाओगे? कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। रेस शुरू हुई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसे यहाँ तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा, क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते हुए कब खरगोश की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत को देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई। अरे, मैं तो सोता ही रह गया, जल्दी भागो। और खरगोश दौड़ता हुआ जीत की रेखा तक पहुंचा, लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता ही रह गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है, उसकी जीत पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है, उसका घमंड कभी ना कभी टूटता ज़रूर है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।